हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। दोस्तों अभी मैं आया हुआ हूँ कुरुम पार्क। कुरुम पार्क एंड कुरुम बीच वन ऑफ द फेमस एरियाज फॉर टूरिस्ट के हिसाब से। सो काफ़ी अच्छा एरिया है ये, काफ़ी बड़ा पार्क है। यहाँ पर साइकिलिंग होती है, काफ़ी सारे झूले वूले लग हुए हैं। एक्चुअली ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए। सो मैं तो आपको पता ही, फैमिली वाला बंदा हूँ, फैमिली के साथ घूमता रहता हूँ। हेलो, सो हम पार्क में आ गए हैं आज। और साइकिलिंग आप देखें, ऐसे फैमिली की साइकिलिंग होती है। पीछे आप देखेंगे ये देखिए, इस तरह की साइकिल होती है, मस्त। हमने भी करी है ये, फैमिली सारी एक साथ बैठ जाती है, दो लोग इसको ड्राइव करते हैं। सो यहाँ पर गाइस जो मेन इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, एक तो जॉब्स के बारे में दे रहा हूँ कि किस तरह से आप ओमान में आ सकते हैं। ओमान मुझे क्यों अच्छा लगा यार, एक तो ये बिल्कुल आपको लगेगा अपग्रेडेड इंडिया ही है बिल्कुल, और सारे लोग, कोई लैंग्वेज का चैलेंज नहीं है, कोई खाने का चैलेंज नहीं है। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ, एक बहुत ही अच्छा फैंसी सा रेस्टोरेंट है, उसके अंदर कुछ 3:30 का टाइम हो गया है, तो घूमते घूमते थोड़ा थक गए हैं और कुछ खाना चाह रहे हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर आया हूँ मैं खाने के लिए। ये बता रहा था आप लोगों को कि यार जॉब्स यहाँ पर मेरे हिसाब से करनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो देख रहा हूँ मैं, कनाडा जाने के लिए, यूरोप में जाने के लिए 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं यार, और कंसल्टेंट्स को उसमें कोई श्योरिटी भी नहीं होती है। क्यों नहीं आप लोग यहाँ पर ओमान या यूएई आके यहाँ पर जॉब्स करें। यहाँ का वीज़ा भी बहुत सस्ता है। वीज़ा के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया कंसल्टेंट है, जो मैंने अभी परसों मैंने एक वीज़ा उसको रेफ़र किया था किसी बंदे को, उसका 2 आवर्स में ही ओमान का वीज़ा आ गया था। फिर 10 डेज़ का या 30 डेज़ का भी आप ले सकते हैं, ऐसे ही आप दुबई का वीज़ा भी ले सकते हैं। अच्छा बंदा है वो, बहुत ही रिलायबल है। फ़ीस मैंने आप लोगों को बता दी थी कि वो कितने पैसे लेते हैं। अगर आप लोगों के पास उससे भी कोई और अच्छा बंदा हो तो लेट्स कनेक्ट विद ईच अदर, लोगों की हेल्प करते हैं। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दूसरे बंदों के साथ शेयर करूँगा ताकि लोगों की हेल्प हो यार। बाकी अगर आप लोगों के पास नहीं है तो मैंने आपको बंदा बता दिया, आप लोग इससे अपना वीज़ा करवा सकते हैं। और ओमान एक बार आप आइए, घूम के देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये क्या वही एग्जैक्टली प्लेस है जहां पर आप रह सकते हैं, जहां पर आप सेटल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्योंकि हो सकता है मुझे अच्छा लगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को भी अच्छा लगे। हो सकता है आपको ना अच्छा लगे, हो सकता है आपको कोई और चैलेंजेस आ रहे हो। तो एटलीस्ट मेरे हिसाब से ये कि पहले आप लोगों को घूमना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग कंसल्टेंट्स को पैसे देते हैं ओमान में आने के लिए या जॉब्स को पाने के लिए। यार जॉब्स को पाने के लिए किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई अच्छी कंपनी है, रियल कंपनी है, तो वो कंसल्टेंट्स को से पैसे नहीं लेती है, कंसल्टेंट को वो खुद पे करती है, तो कंसल्टेंट आपसे पैसा नहीं लेता है। बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे पैसे फंसा देते हैं कंसल्टेंट्स को देके, और काफ़ी वेट करते हैं, या फिर जब कंसल्टेंट के थ्रू जॉब लेके यहाँ पर आते हैं। अभी मैं 3 दिन पहले ही किसी एक बंदे से मिला था, वो बांग्लादेश से था, और वो बोला कि भैया मुझे 2 साल हो गए, 2 साल में मैंने फ्री में काम किया है, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आया था तो उतने पैसे उसके हो गए थे कंसल्टेंट के कि 2 साल में तो मैं सिर्फ वो ही चुका पाया हूँ। अब मेरी 3rd ईयर है और अब मैं अपनी फैमिली के लिए थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो ऐसा लोग, बहुत सारे गरीब लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उतनी भारी पैसे उनको देने पड़ते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है यार। बीटेक के लिए यहाँ पर जॉबों की भरमार है। बहुत सारे लोग मैंने यहाँ पर देखे हैं जिन्होंने बीटेक कर रखे या कोई टेक्निकल डिप्लोमा कर रखा है, या फिर ऑयल एंड गैस से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हैं। होटल मैनेजमेंट वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, सेल्स वाले बंदों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, एचआर वालों के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर। तो आप अपनी ऑनलाइन आप लोग चेक कीजिए, अगर ऑनलाइन आप लोगों को नहीं मिल रहा है तो आप एक बार आइए यहाँ पर, घूम के देखिए, एक्सप्लोर करके देखिए, लोगों से बातचीत करके देखिए, तब आप लोगों को पता चलेगा क्या है। तो आना जाना तो बहुत ही सस्ते में हो जाता है, एक बहुत ही अच्छी सस्ती सी फ्लाइट आप लोग ढूंढ लीजिए। फ़्लाइट के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाके आप चीप फ्लाइट्स को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और बुक भी कर सकते हैं वहीं से। उसके बाद में वीज़ा बहुत ही सस्ता है, इंडिया के बिल्कुल पास है। वेदर आप लोगों को बता दिया कि 5-6 महीने यहाँ पर बहुत ही अच्छा वेदर होता है, उसके बाद में रेस्ट ऑफ द ईयर बहुत ही गर्मियाँ होती है, वो एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन वो गर्मियाँ भी आप लोगों को ज़्यादा लगेगी नहीं, क्योंकि
सब कुछ यहाँ पर एयर कंडीशन बना हुआ है, सारी कार्स घर सब कुछ, तो वो भी ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएगा। तो फिर क्यों आप लोग 10-10, 20-20 लाख किसी कंसल्टेंट को देके कहीं और जाना चाह रहे हैं? इंडिया के पास आइए, इंडियन कल्चर मिलेगा, इंडियन फूड मिलेगा, सारा सब कुछ, लैंग्वेज की कोई दिक्कत है नहीं। सो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है गाइस, अगर आप लोग बाहर सेटल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए यूएई और ओमान। मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस यूएई से भी ज़्यादा ओमान की है, क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ी भीड़ कम है। यूएई में आप लोगों को पता है कि वो तो पूरा ही इंडिया बन चुका है, और वहाँ पे थोड़े से, क्योंकि वो थोड़ा सा एक हाई लेवल का हो गया, थोड़ा ज़्यादा ही अपग्रेड हो गया वहाँ पर। एंड दुबई इज़ रियली एक्सपेंसिव, ओमान के मुकाबले दुबई ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और दुबई से आप पैसा बचा के घर नहीं ले जा सकते, क्योंकि उन्होंने जो सिस्टम कल्चर इस तरह का बना रखा है कि आपके सारे पैसे वहीं पे खर्च हो जाते हैं। लेकिन ओमान में अभी इतना कुछ है नहीं, तो आप ओमान आ सकते हैं, यहाँ पर आकर आप अपना अपने आप को सेटल कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ यार, हर कोई तो वीडियो के लिए इतना टाइम नहीं होता उनके पास, या पता नहीं मैं किस तरह से ट्रैवल कर रहा हूँ तो उस समय मैं उनके साथ वीडियो नहीं बना पाता। लेकिन मैं बहुत लोगों से मिला हूँ जो ओमान में सेटल है, इंडियंस है, काफ़ी टाइम से अच्छी अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छा घर ले लिया, बहुत अच्छी कार्स ले ली, फैमिली के साथ आराम से रह रहे हैं, और इंडिया ज़्यादा दूर भी नहीं है, 3 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से, आप इंडिया पहुँच सकते हैं। फ़्लाइट्स इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही सस्ती फ़्लाइट्स मिल जाती है। मैंने भी यहाँ से जयपुर की फ़्लाइट बुक करी गाइस, आप लोगों को जयपुर भी एक्सप्लोर कराऊंगा। और मैंने जयपुर की इसलिए करी कि मैं तो आपको बता कि ट्रैवलर हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ कहाँ की फ़्लाइट अच्छी मिल रही है, क्या मेरे पास वहाँ का वीज़ा है, आई टेक इट, बस और कुछ नहीं सोचना होता है, तो मैं कहीं भी चला जाता हूँ वैसे ही। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन है गाइस। सो ओमान में अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, मैं काफ़ी यहाँ पे रिसर्च करी है, कोई भी सवाल हो, कुछ भी हो आप लोगों का, आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में लिखिए, या ये मेरा इंस्टाग्राम है, इस इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप के नंबर भी आप लोग वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से मुझे व्हाट्सएप कीजिए। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अगर आप सेटल होना चाहते हैं, जॉब ढूंढना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आइए और देखिए, अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और ज़िंदगी को सेटल कीजिए यार। चले दोस्तों, आगे मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।